हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अब आप 22-23 की जो पढ़ाइयाँ हैं आप शुरू कर दिए होंगे, तो चलिए हम आपको सबसे पहले आपको ब्लूप्रिंट दिखा देते हैं। बहुत ज़रूरी है ये, थोड़ा इसको अच्छे समझ लें, किस पार्ट से कितना आने वाला है और कितना हटाया गया है, किस पार्ट से कितने नंबर के प्रश्न आ रहे हैं, तो इनको अच्छे से अध्ययन कर लें। अभी तो प्रयास करें कि पूरा अध्ययन कर लें, क्योंकि नॉलेज पूरा होना चाहिए। एग्जाम की दृष्टि से आप कुछ दिन बाद भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन ब्लूप्रिंट आपके पास होना अति आवश्यक है, उसको अच्छे समझ लें। तो चलिए हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं कक्षा 12 के गणित का ब्लूप्रिंट। इसमें आप देख सकते हैं पूर्णांक रहेगा आपका 80 नंबर का, समय आपको 3 घंटे ही मिलेंगे। हम आपको दिखाते हैं कि किस अध्याय से कितना आने वाला है। ये आप देख सकते हैं पहला पाठ है संबंध एवं फलन, इससे टोटल आना है आपका 5 नंबर का, जिसमें एक एक अंक के 3 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। इस प्रकार संबंध एवं फलन से टोटल आएंगे 5 नंबर के। अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इससे आएगा आपका टोटल 6 नंबर का, जिसमें से एक एक नंबर के 4 प्रश्न रहेंगे और एक छो प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा। इस प्रकार टोटल इससे 6 नंबर का रहेगा। फिर आपका थर्ड लेशन से आएगा आप व्यूह से, टोटल आएगा आपका 6 नंबर का, इसमें आपके एक एक नंबर के 4 प्रश्न हैं और 1 प्रश्न आपका 2 नंबर का है। फिर नेक्स्ट अध्याय है 4 सारणिक, इससे आपका टोटल आएगा 6 नंबर का, जिसमें आपके एक एक प्रश्न 2 अंक के रहेंगे और 1 प्रश्न आपका 4 अंक का रहेगा। फिर है सांतत्य तथा अवकलनीयता अध्याय 5 से, इससे टोटल आना है आपका 8 नंबर का, जिसमें आपके एक एक नंबर के प्रश्न 2 ठो रहेंगे, 1 प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा और 1 प्रश्न आपका 4 नंबर का रहेगा। आप इसे स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं। यदि आपको डाउनलोड भी करना हो पूरी पीडीएफ, तो आप सीधा MPBSE के वेबसाइट पर जाके एकेडमिक में जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग, इसमें टोटल आपका 6 नंबर का आएगा, इसमें आपके 2 ठो वस्तुनिष्ठ रहेंगे और 2 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे, इस प्रकार आपका टोटल 6 नंबर का आएगा। अध्याय 7 है आपका समाकलन, इससे टोटल आना है आपका 12 नंबर का, इसमें एक एक नंबर के 6 ठो प्रश्न रहेंगे, 1 प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा और 1 प्रश्न आपका 4 नंबर का रहेगा। फिर है समाकलनों के अनुप्रयोग, तो इससे आपका टोटल आना है 3 नंबर का और वो प्रश्न आपका 1 प्रश्न ही आएगा 3 नंबर का। फिर है नेक्स्ट अध्याय 9 अवकल समीकरण, इससे टोटल आना है आपका 6 नंबर का, जिससे एक एक नंबर के 3 प्रश्न और 3 नंबर का 1 प्रश्न, इस प्रकार 6 नंबर का टोटल इस पार्ट से आएगा। फिर नेक्स्ट है अध्याय 10 सदिश बीजगणित, इससे टोटल आना है आपका 7 नंबर का, जिसमें आपको 3 ठो ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, 1 ठो प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा और 2 नंबर के 2 प्रश्न और 3 ठो ऑब्जेक्टिव, इस प्रकार टोटल 7 नंबर हुए। फिर है आपका त्रिविमीय ज्यामिति, इससे टोटल आना है 7 नंबर का, इसमें 1 प्रश्न आपका 1 ठो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 1 प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा और 1 प्रश्न आपका 4 नंबर का रहेगा। फिर है रैखिक प्रोग्रामन, इससे टोटल आना है आपका 3 नंबर का, इसमें 1 प्रश्न 3 नंबर का ही रहेगा। फिर है प्रायिकता लास्ट में अध्याय 13 5 नंबर का आना है, जिसमें एक एक नंबर के 2 प्रश्न और 1 प्रश्न आपका 3 नंबर का आएगा। इस प्रकार आपके मैथ से टोटल 80 नंबर का आना है, जिसमें टोटल 32 ठो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन 10 ठो यानी 20 नंबर का रहेगा, 3 नंबर के प्रश्न 4 ठो यानी 12 नंबर के रहेंगे, 4 नंबर के 4 प्रश्न यानी 16 नंबर का रहेगा। इस प्रकार टोटल आपका 80 नंबर का पूर्णांक हो जाएगा। ये आपका नया मैथ का हो गया। अब इसमें आप ये देख लें कि हटाया क्या क्या गया है। ये गणित के आपके अध्याय 1 से संबंध एवं फलन से हटाया गया है 1.4 फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन, 1.5 में हटाया गया है द्विआधारी संक्रियाएं। फिर है अध्याय 3 आव्यूह, इसमें 3.7 में दिया है आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया यानी आव्यूह रूपांतरण को हटा दिया गया है। फिर अध्याय 5 से सांतत्य तथा अवकलनीयता से हटाया गया है 5.8 रोले एवं लेग्रांज मध्यमान प्रयोग प्रमेय। फिर अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग से हटाया गया है 6.4 स्पर्श रेखाएं और अभिलंब, 6.5 सन्निकटन, ये 2 चीज़ें इससे हटा दी गई हैं। फिर अध्याय 7 समाकलन से 7.7.1 से हटा योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन।
फिर अध्याय 8 है, इससे आपका हटाया गया है समाकलनों के अनुप्रयोग। इसमें 8.3 दो चक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल हटा दिया गया है। फिर है अध्याय 9, इसमें आपका अवकल समीकरण है, इसमें 9.4 दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण करना है। फिर अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति से हटाया गया है। 11.6 समतल, 11.7 दो रेखाओं का सहतली होना, 11.8 दो समतलों के बीच का कोण, 11.9 समतल से दिए गए बिंदु की दूरी, 11.10 एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण। फिर अध्याय 12 रैखिक प्रोग्रामन से आपका हटाया गया है, रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं के भिन्न प्रकार। फिर अध्याय 13 है, इसमें हटाया गया है प्रायिकता, जो बर्नौली 13.7 है, बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन, इस प्रकार इसे हटा दिया गया है। ये आपका हुआ मैथ का सिलेबस 12th का। अब आगे हम आपको दिखा रहे हैं वाल्मीकि फिजिक्स, इसको थोड़ा आप अच्छे समझ लें। इसमें आपका पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा, समय आपको 2-3 घंटे ही मिलना है। अब इसमें हम समझाते हैं किस पार्ट से कितने नंबर के आने हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। पहला पार्ट है आपका स्थिर विद्युत, इससे टोटल आना है आपका 6 नंबर का, जिसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक के 1 रहेंगे, 2 अंक का 1 प्रश्न रहेगा, 3 अंक का 1 प्रश्न रहेगा, इस प्रकार इससे आएगा। फिर धारा विद्युत है, इसको आप अच्छे से रख लेंगे, हम मेन मेन नंबर आपको बता देते हैं। धारा विद्युत रहेगा, इससे आपका टोटल 10 नंबर का आना है। धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व से आपका 6 नंबर का आना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा, इससे टोटल 11 नंबर का आना है। विद्युत चुंबकीय तरंगें, इससे टोटल आपका 4 नंबर का आना है। प्रकाशिकी किरण एवं तरंग एवं प्रकाशिक यंत्र, इससे टोटल आपका 14 नंबर का आना है। द्रव्य एवं विकिरण की द्वैत प्रकृति, इससे आपका 5 नंबर का आना है। परमाणु एवं नाभिक 7 नंबर का आना है। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इससे टोटल आपका 7 नंबर का आना है। इस प्रकार पूरे फिजिक्स से आपका 70 नंबर हो जाएगा। एक एक अंक के 28 प्रश्न रहेंगे, 2-2 अंक के 8 यानी कि 16 नंबर के रहेंगे, 3-3 अंक के 4 प्रश्न यानी कि 12 नंबर के रहेंगे, 4 नंबर का 1 प्रश्न और 5 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार टोटल आपका 70 नंबर का हो गया। अब ये देख लीजिए फिजिक्स में हटा क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नॉलेज के हिसाब से पढ़ लें अच्छे से। इकाई 1 में अध्याय 2, इसमें विद्युत विभव एवं धारिता से हटाया गया है संधारित्र में संचित ऊर्जा के सूत्र की व्युत्पत्ति। फिर इकाई 2 अध्याय 3 धारा विद्युत से हटाया गया है कार्बन प्रतिरोध एवं बर्न कोड प्रतिरोधों का श्रेणी एवं समांतर समूहन, किरचॉफ के नियम के सामान्य अनुप्रयोग, मीटर सेतु, विभव मापी का सिद्धांत एवं अनुप्रयोगों में 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना एवं किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना। फिर अध्याय इकाई 3 अध्याय 4 से हटाया गया है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से साइक्लोट्रॉन, टोरोइडल, सोलोनॉइड। फिर इकाई 3 अध्याय 5 से हटाया गया चुंबकत्व एवं द्रव्य, धारावाही लूप का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार, उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन का द्विध्रुव आघूर्ण, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय अवयव, विद्युत चुंबक एवं उसकी क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक और स्थायी चुंबक। फिर इकाई 3 है, इसमें अध्याय 6 से हटाया गया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी भंवर धाराएं, अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा LC दोलन केवल गुणात्मक विश्लेषण के लिए, अध्याय 9 से आपका हटाया गया किरण प्रकाश एवं प्रकाशी केंद्र से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग, प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला दिखाई देना एवं सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश का लाल दिखाई देना। फिर अध्याय 10 से तरंग प्रकाशिकी से हटाया गया है यंग के द्विलिष्ट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई के व्यंजक की व्युत्पत्ति। फिर सूक्ष्मदर्शी एवं खगोली दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश, ब्रूस्टर का नियम, समतल ध्रुवित प्रकाश का उपयोग एवं पोलेराइड्स। फिर अध्याय 11 विकिरण की द्वैतीय प्रकृति एवं पदार्थ से डेविशन जर्मर का प्रयोग हटा दिया गया है। फिर अध्याय 13 नाभिक से रेडियो एक्टिविता, अल्फा बीटा एवं गामा कण एवं तरंगें एवं उनके गुण, रेडियो एक्टिविता 6 के नियम, अर्धायु एवं माध्यायु। इकाई 9 के अध्याय 14 से अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ एवं युक्तियां तथा सरल परिपथ,
इससे हटाया गया है विशिष्ट प्रयोजन, पीएन संधि डायोड, एलईडी, फोटो डायोड, सोलर डायोड, जैनर डायोड एवं उनके अभिलक्षण। जैनर डायोड का वोल्टेज नियंत्रक की भांति उपयोग, इतना आपके फिजिक्स से हटा दिया गया है। पाठ्यक्रम में जोड़ी गई वस्तु देख लीजिए, इकाई 8 अध्याय 12 परमाणु जोड़ दिया गया है, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, एनवी संभव कक्षा की त्रिज्या एवं वेग का व्यंजक, इलेक्ट्रॉन की उसकी कक्षा में ऊर्जा का व्यंजक एवं हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम। अध्याय 13 में नाभिक जोड़ दिया गया है, नाभिकीय बल। इकाई 9 अध्याय 14 में अर्धचालकी इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ, शुद्ध एवं बाह्य अर्धचालक, पी एवं एन प्रकार के अर्धचालक और पीएन संधि आपका जोड़ दिया गया है। अब हम आपको दिखाते हैं कक्षा 12 रसायन का ब्लूप्रिंट, इसको अध्ययन अच्छे समझ लेंगे। समय इसमें भी आपका 3 घंटे रहेगा, पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा। इसमें पहला अध्याय है आपका विलयन, इससे पहले जो सॉलिड स्टेट था वो इस बार पूरा अध्याय हटा दिया गया है, उस पर भी हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे। इसमें पहला लेशन है विलयन, जिससे टोटल आपका आना है 7 नंबर का, जिसमें आपका 1 अंक का 2 प्रश्न और 2 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न आएगा विलयन से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट अध्याय है वैद्युत रसायन, इससे टोटल आपका आना है 9 नंबर का, जिसमें 1-1 अंक के 2 प्रश्न आपके आएंगे, 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा और 5 अंक का 1 प्रश्न आएगा। इस प्रकार वैद्युत रसायन से टोटल आएगा 9 नंबर का। फिर नेक्स्ट लेसन है रासायनिक बलगतिकी, इससे टोटल आना है आपका 7 नंबर का, जिसमें 1-1 अंक के आपके 2 प्रश्न और 2 नंबर का 1 प्रश्न और 3 नंबर का 1 प्रश्न। इस प्रकार रासायनिक बलगतिकी से टोटल 7 नंबर का आएगा। फिर नेक्स्ट अध्याय है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, इससे आएगा टोटल 7 नंबर का, 1-1 अंक के आपके 4 प्रश्न और 3 नंबर का आपका 1 प्रश्न, यानी इसमें से 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे और मात्र 1 प्रश्न आएगा 3 नंबर का। फिर नेक्स्ट है उप सहसंयोजी यौगिक, इससे टोटल आना है आपका 7 नंबर का, जिसमें आपको 3 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, 1-1 अंक के 2 प्रश्न मिलेंगे, 1 नंबर के 3 प्रश्न। इस प्रकार टोटल 4-3 7 नंबर हो गए। फिर हेलो एल्केन एम हेलो एरियन से टोटल आपका 6 नंबर का आना है, जिसमें आपके 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 1 प्रश्न आपका 4 नंबर का रहेगा। फिर एल्कोहल फिनाल एवं ईथर, इससे आपका टोटल 6 अंक का आना है, जिसमें आपको 3 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 3 अंक का 1 प्रश्न आपके पास रहेगा। फिर एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इस अध्याय से आपका आना है टोटल 8 नंबर का, जिसमें वस्तुनिष्ठ आपके 1 अंक के रहें 1 प्रश्न रहेगा आपका, 2 अंक का 1 प्रश्न रहेगा और 5 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। फिर नेक्स्ट लेसन है एमीन, एमीन से टोटल आपका आना है 6 नंबर का, ये एमीन है, इससे आपके 4 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे और 1 प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा। फिर नेक्स्ट है जैव अणु, टोटल इससे आपका रहेगा 7 नंबर का, जिसमें आपको 5 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे और 1 प्रश्न रहेगा आपका 1 नंबर का। इस प्रकार केमिस्ट्री में आपको टोटल 70 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें 28 नंबर के यानी 28 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रहेंगे, 2-2 अंक के 8 प्रश्न, 3-3 अंक के 4 प्रश्न, 4 अंक का 1 प्रश्न और 5 अंक के 2 प्रश्न। अब हम दिखाते हैं आपको केमिस्ट्री में हटाया क्या क्या गया है, उसको उस पर अच्छे से चर्चा कर लेते हैं हम। ये ठोस अवस्था पूरा अध्याय हटा दिया गया है, सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन पूरा अध्याय हटा दिया गया है, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम ये भी पूरा आपका अध्याय हटा दिया गया है, पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट सेकंड दोनों हटा दिए गए हैं, बहुलक आपका पूरा अध्याय हटा दिया गया है, दैनिक जीवन में रसायन आपका पूरा अध्याय हटा दिया गया है। इस प्रकार आपको इतना मात्र केमिस्ट्री में पढ़ना है। अब हम दिखा देते हैं कक्षा 12 की बायोलॉजी, इसमें आपको जो पहली इकाई है जनन, इससे टोटल आपको मिलना है 16 नंबर का, जिसमें 1-1 अंक के आपके 7 प्रश्न रहेंगे, 2-2 अंक के आपके 3 प्रश्न रहेंगे और 3 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। इस प्रकार जनन इकाई से टोटल 16 नंबर का आना है। फिर नेक्स्ट है अनुवांशिकी तथा विकास, इससे टोटल आपका आना है 16 नंबर का, इसमें वस्तुनिष्ठ आपके रहेंगे 5, 2-2 अंक के आपके 2 प्रश्न रहेंगे, 3 अंक का आपका 1 प्रश्न रहेगा। फिर नेक्स्ट है मानव कल्याण में जीव विज्ञान, इससे टोटल आपका 14 अंक का रहेगा, 7 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 2-2 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे, 1 प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा इस यूनिट से। फिर है जैव प्रौद्योगिकी, इससे टोटल आपका 12 नंबर का आएगा, जिसमें आपके 5 ऑब्जेक्टिव
और एक प्रश्न आपका दो नंबर का, एक प्रश्न आपका पाँच नंबर का। फिर है पारिस्थितिकी, इससे टोटल आपका 12 नंबर का आना है, एक एक अंक के चार प्रश्न, एक प्रश्न आपका एक नंबर तीन नंबर का रहेगा और एक प्रश्न आपका पाँच नंबर का रहेगा। इस प्रकार आपको बायोलॉजी से टोटल 70 नंबर का पेपर रहेगा, 28 टॉप के ऑब्जेक्टिव, दो दो अंक के आठ प्रश्न, तीन अंक के चार प्रश्न, चार अंक का एक प्रश्न और पाँच अंक के दो प्रश्न रहेंगे। इसमें भी आप देख लीजिए हटाया क्या क्या गया है, अध्याय एक जीवों में जनन हटा दिया गया है, अध्याय नौ खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति हटा दी गई है और पर्यावरण के मुद्दे हटा दिए गए हैं। तो इनको अच्छे से कर लें, ये साइंस ग्रुप का आपका अलग से बन गया है, बाकी चीज़ें हम बाद में बना देंगे, अगले वीडियो में आएगा। साइंस का आपका क्लियर रहेगा, जिसमें आपका फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसको आप अच्छे से देख लें और अच्छे से आप ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें जिससे सबके पास ये पहुँच जाए।